और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। इस वक्त बचाव कार्य चल रहा है। कहा जा रहा है कि ये ब्रिज ठीक से बनाया नहीं गया था, ये कमजोर था, इसलिए गाड़ियों का वजन नहीं झेल पाया और टूट कर गिर गया। कार्यवाही चल रही है। सर, गाड़ी को साइड में लगाओ, एम्बुलेंस को आने दो, लेके जाओ। सर, 12 लोग ऑन द स्पॉट मर गए हैं एंड 45 पीपल आर सीरियसली इंजर्ड और टोटल 25 से 30 लोग कैशुअल्टी में हैं, इंक्लूडिंग 2। और ज्यादा फोर्स बुलानी पड़ेगी। वो लोग आ रहे हैं सर। हॉस्पिटल लेके गए हैं सर। सर, आपसे मिलना चाहते हैं, कोई बहुत जरूरी बात है। सभी को बहुत चोट आई है सर। दोनों को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया है सर। आप लोग पूरी कोशिश कीजिए, पैसों की चिंता बिल्कुल नहीं कीजिएगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। हम लोग मीटिंग रखेंगे सर, मिनिस्टर्स यहीं पर हैं। आपने एमएलए का फंड यूज नहीं किया ना बालू? नहीं सर। जाली पेपर्स और खराब मटेरियल्स? नहीं सर, सब मटेरियल्स और डॉक्यूमेंट सही है सर। 7 गोनी रेत, 3 गोनी सीमेंट, ये किस हिसाब से सही है सर? इस ब्रिज की रिपोर्ट मेरे पास इंटेलिजेंस के द्वारा भेजी गई थी, मुझे उसी समय कुछ करना चाहिए था। राजन, आपने 3.5 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, सबूत है, साफ साफ सबूत है। वो भी सर, कोई ऐसी बात हो तो हम सबको एक साथ रहना चाहिए। मरे हुए लोगों के नुकसान के लिए उन्हें मुआवजा देना है, अब ये सब यहाँ नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। राजन को एमएलए पद से इस्तीफा देना होगा। क्या हुआ सर? इंक्वायरी होने दो, उसके बाद रिजाइन की बात करेंगे। अगर आपके अंदर जरा भी इंसानियत है तो मैं सब कुछ आप पर छोड़ता हूँ। अगर मैं मंत्री हूँ तो आप मुझे इस पद से हटा सकते हैं। सीएम का वो अधिकार है, आप क्षेत्र में हैं। एमएलए को बनाने वाले लोग हैं, उसका फैसला करने वाली मेरे क्षेत्र की जनता है, जिन्होंने मुझे वोट किया है, सीएम ने नहीं। चलता हूं। तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए, थोड़ी देर वेट करने में क्या प्रॉब्लम है? यह हमारे लिए बदनामी की बात है, इसीलिए ऐसा कदम उठाना होगा, यह उसी के कारण हुआ। तुम तो बहुत ही सुरक्षित और ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हो। मैं इस पोस्ट पे हूँ इसीलिए एक बात बोलता हूँ, अगर कोई तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाए तो उसे दबाना मेरा काम है। ये गलत हुआ है। कुरियन के मामले में मैंने तुम्हारा साथ दिया, उस आदमी को और उसके एमएलए को अपने साथ लाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है ये तुम क्या जानो। तुम्हें हर कदम सावधानी से उठाना चाहिए, अगर कदम पार्टी या पार्टी के खिलाफ हुआ तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मेरी अपनी मजबूरियां हैं। सर सर सर, मेरी बेटी की शादी है, आप जरूर आइएगा सर। अभी क्यों दे रहे हो?
रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल अमेंडमेंट बिल और द राइट टू रिकॉल। अगर राज्य के लोग संतुष्ट ना हो तो 5 साल खत्म होने से पहले भी नेता को हटाने का अधिकार उनके पास होने चाहिए। एक एक क्षेत्र के 50% या उससे ज्यादा प्रतिशत लोग अपने प्रतिनिधि के बारे में स्पीकर को बताकर इलेक्शन कमिश्नर की अनुमति से वहां फिर से इलेक्शन करवा सकता है। ठीक है सर, जो आप कह रहे हो वो सब आप सोच समझ कर कह रहे हो ना सर। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं कुछ बोलूं? ये हमारे राज्य में प्रैक्टिकल नहीं है सर। होगा, प्रैक्टिकल होगा। हमारे बनाए इस बिल को पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पास करवा के राष्ट्रपति की मंजूरी से ये होगा, और जो ना माने उन्हें माफ कर देना चाहिए। फिर तो ये बहुत खतरनाक बिल है, इसे पास करवाना जरूरी है सर। आई एम नॉट श्योर, वेरीफाई करके बताता हूँ सर। एक जन प्रतिनिधि के अधिकार का निर्णय हम नहीं कर सकते। पीरियड खत्म होने से पहले अगर वो पसंद नहीं है तो उन्हें हटाने का अधिकार लोगों के पास होगा, ये हम कह रहे हैं, और इसे अमल में लाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। सर मैं एक बात बोलूं आपसे, ठीक है ये लोगों की पसंद की बातें हैं, लेकिन अगर रियलिटी में हम इसे लेकर गए तो ये पार्लियामेंट में कभी भी पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, और ऐसे तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती की बहुत सारी बातें इस देश में हो रही है, एक अच्छा काम करने के लिए बेइज्जती की बात कहां से आती है? ये डेमोक्रेटिक देश नहीं है? बताओ, हम सब लोग 5 साल में एक बार वोट देते हैं, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे राज्य में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसी दिन, सिर्फ उसी दिन लोग अपना फैसला सुनाते हैं, और सबसे जरूरी बात, हम लोगों के सामने वोट मांगने जाते हैं उसमें अच्छे और बुरे लोग भी होते हैं। वो पद पाकर अधिकार में आ जाते हैं और लोगों को उन्हें सहना पड़ता है। कई बार पार्टी देखकर लोग उन्हें वोट दे देते हैं, और अक्सर ऐसा होता है। खैर, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बीच यहां जो बातें हुई वो सारी बातें हम तक ही रहेंगी। ओके सर। सीएम जी की बात सिर्फ स्विट्जरलैंड में ही हो सकती है, यहां पर आई डोंट नो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है सीएम साहब इस बात को सीक्रेट क्यों रखना चाहते हैं। कुछ बातें तो सीएम साहब ही जानते हैं, आपको उनसे पूछना चाहिए था। नहीं, मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगा, आई एम सॉरी। चलिए, टेक केयर। ओके ओके। मैं फोन करके आने वाला था, लेकिन आप मना करेंगे इसलिए मैं खुद ही यहां आ गया।